नमस्कार दोस्तों, आज आए कुछ नया टॉपिक लेके आपके पास जो हर किसी को जरूरी है इस वीडियो को देखने के लिए। भू नक्शा यूपी। आप किसी भी स्टेट से आप अगर देख रहे हो वीडियो तो आपको क्या करना है, भू नक्शा आपके आगे स्टेट का नाम डालना है। आप कैसे देख सकते हो पूरे वीडियो हम दिखाएंगे अभी। आप देख सकते हो भू नक्शा में किसके नाम पे है, कितने लोगों ने इसको खरीदा और कितने लोगों ने बेचा, अभी किसके नाम पे है और पूरे एड्रेस आप एक एक चीज देख सकते हो। उसमें रोड कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, किसका जमीन कितना है, किसके नाम पे है, कितने हिस्सेदारी है उसमें, आप एक एक चीज देख सकते हो। पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है भू नक्शा। भू नक्शा डाल के आपको सर्चिंग में क्लिक करना है। मैं सर्चिंग में क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे ले जाना है। डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो भू नक्शा लिखा हुआ है। ये भू नक्शा पे आपको क्लिक करना है। मैं भू नक्शा पे क्लिक करता हूँ। जैसे भू नक्शा पे आप क्लिक करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो थ्री डॉट दिख रहा है, इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। इस थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है। अब उत्तर प्रदेश, अब उसके बाद आपको नीचे जिला चूज करना है। आप जहाँ से हो अब उस वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैंने सपोज अमेठी में क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद तहसील आपको चूज करना है। आपके तहसील आपको चूज करना है। मैंने तिलोई चूज करता हूँ। उसके बाद गांव का चूज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये गांव के नाम लिखा है, यहाँ पे गांव के लिस्ट आ जाएगा। जैसे क्लिक करता हूँ ये पूरे गांव के लिस्ट आ जाता है। मैं ओतिया में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें जैसे क्लिक करता हूँ इसका पूरे मैप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूरे दाग नंबर होता है, गांव के पूरे दाग नंबर होता है। अब ये वाले दाग नंबर आपके घर के जो भी दाग नंबर होगा आपको उसी में क्लिक करना है। अब ये पूरे रोड देख सकते हो, कौन सा रोड कहाँ जा रहा है, ये पूरे एक एक चीज देख सकते हो। जो प्लॉट नंबर होता है वो यहाँ पे दे रखा है। आपके जमीन का जो नंबर है आपको देखना है, कौन सा नंबर आपको याद करना है या नक्शे पे देखना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है। सपोज मैंने इस वाले 449 वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे 449 वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, आपके जो नक्शा है वो पूरे रेड हो जाता है। अब अगर उसका आप डिटेल्स देखने चाहते हो तो उसमें क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें क्लिक जैसे करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पूरे डिटेल्स आ जाता है जमीन के। आप यहाँ से देख सकते हो कब से किसको बेचा है, किसी ने खरीदा है, ये पूरे डिटेल्स इसमें दे रखा है। आप एक एक करके देख सकते हो इसमें कितने सालों से ये जमीन खरीदा, बेचा, किसके नाम पे फिलहाल अभी है, ये पूरे डिटेल्स आप इसी तरीके से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप दूसरा कोई देखते हैं। अगर इसको हटाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको हटाना है। आप और दूसरा भी देख सकते हो, दूसरा देखना है वो वाले पे आपको क्लिक करना है। सपोज इसमें क्लिक कर देता हूँ। इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हो आप देख सकते हो ये पूरे डिटेल्स आ जाता है उनके, जिनके नाम पे जमीन है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको देखना है। अगर आपको और दूसरा प्रदेश से हो आप, अगर दूसरा देखना है तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको क्या करना है, मैं अभी बता देता हूँ। ये जो गूगल क्रोम ब्राउजर पे आप जब ओपन करते हो, उसको बाद आपको यहाँ पे डालना है भू नक्शा MP। अगर आप MP से देख रहे हो तो MP डाल के गो पे क्लिक करना है। अब जिस प्रदेश से देख रहे हो उसी प्रदेश का यहाँ पे नाम डालना है, तो आपको ये वाले आ जाएगा, ये वाले साइट ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक कर दिया। अरे जैसे ओपन होता है आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे जाना है, ये वाले थ्री डॉट पे आपको जाना है। उसके बाद आपको ये चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, तहसील चूज करना है, आपके जो तहसील होगा वो चूज कर लेना। उसके बाद आपको डिटेल्स जैसे जैसे है, आपके गांव कौन सा है, विलेज, वो भी चूज करना है। तो जिस भी नक्शे पे देखना है आपको, उस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ,
वन टू थ्री वाले पे इसमें क्लिक करके दिखाता हूँ। ये ऐसे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे इसमें कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद आपके ये पूरे एड्रेस आ जाता है, ठीक है, पूरे उसका फैमिली के नाम आ जाता है, गांव के नाम। इसी तरीके से आपको देखना है, आप किसी से भी आप देख सकते हो, जो भी प्लॉट का देखना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है, उसके डिटेल्स देख सकते हो। जमीन खरीदने से पहले आप ये सब चीज देख सकते हो किसके नाम पे है, कोई धोखाधड़ी ना हो इसके लिए। इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे वीडियो पाने के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट में ये बताएं। मिलते हैं फिर नया टॉपिक के साथ, कुछ नया वीडियो के साथ।